डीएम कह रहे हैं कि स्कूल बंद रहना चाहिए, के पाठक करे नहीं, खुला रहना चाहिए। हमने ऐसा बयान कुछ देखा नहीं है सर। नहीं, लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी हुआ तो देखे नहीं है, लेटर नहीं। डीएम कह रहे हैं कि छह महीने की सजा हो सकती है अगर के पाठक अगर मेरे खिलाफ। मालूम नहीं, पता करेंगे तो बताएंगे। सब लोग के लिए कर्पूरी ठाकुर प्रिय थे, सबके नेता थे और जन जन के नेता थे, तब ना जन नायक कहलाए थे और भारत रत्न मिला है इसके लिए। उन्होंने देर कर दिया, बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया और इसके लिए जब जन नायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, उनके समर्थक, शुभचिंतक लंबे समय से मांग कर रहे हैं तो उन्होंने देर किया है, लेकिन तो इसके बाद भी उनको बधाई और धन्यवाद। ठाकुर को भारत रत्न मिला है उसको लेकर के अब देखिए क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ राजद कह रही है कि हमने पहले मांग की है, जदयू वाले कह रहे हैं हमने मांग की है। जिनके मांगने से ये काम आगे बढ़ा है, बिहार के सब लोगों ने मांग किया है, किसी एक व्यक्ति किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। सब लोग के लिए कर्पूरी ठाकुर प्रिय थे, सबके नेता थे और जन जन के नेता थे, तब ना जन नायक कहलाए थे और भारत रत्न मिला है इसके लिए। जिन लोगों के प्रयास से मिला है सब लोगों दिल के जा रहे हैं। सर, स्वामी जयंती है और ऐसे में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, क्या लग रहा है पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक के लिए जो है इस तरह से अचानक कर दिया गया है? उन्होंने देर कर दिया, बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया और इसके लिए जब जन नायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, उनके समर्थक, शुभचिंतक लंबे समय से मांग कर रहे हैं तो उन्होंने देर किया है, लेकिन तो इसके बाद भी उनको बधाई और धन्यवाद। सर, एक सवाल और रहेगा कि डीएम पटना के जिलाधिकारी जो है वो और के पाठक के बीच इन दिनों तकरार चल रहा है। डीएम कह रहे हैं कि स्कूल बंद रहना चाहिए, के पाठक करे नहीं, खुला रहना चाहिए। हमने ऐसा बयान कुछ देखा नहीं है सर। नहीं, लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी हुआ तो देखे नहीं है, लेटर नहीं। डीएम कह रहे हैं कि छह महीने की सजा हो सकती है अगर के पाठक अगर मेरे खिलाफ। मालूम नहीं, पता करेंगे तो बताएंगे। चलिए, पता करेंगे तो बताएंगे। आप सुन रहे थे जदयू कोटे के मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीका से तकरार चल रहा है डीएम और के पाठक के बीच, उसको लेकर के कई सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है दो अधिकारियों के बीच, कड़ाके की ठंड में किस तरीका से तकरार है। और कहा जाए जिस तरीका से जिला अधिकारी है पटना के, उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे क्षेत्र अधिकार का है और हम जो है वो काम करेंगे, क्योंकि जान माल की हित करने रक्षा करने की हमारी जो है बनती है। लेकिन देखिए किस तरीका से जो है बिहार में जब मंत्री से सवाल किया जाता है तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है आखिर क्या हो रहा है। डीएम और के पाठक के बीच जो तकरार चल रही है, क्या मंत्री श्रवण कुमार को मालूम नहीं है? क्या के पाठक और जिस तरीका से जिला अधिकारी के बीच लेटर वार हो रहा है, क्या यह मालूम नहीं है? वहीं पे उप मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि नज़र का इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिया का नहीं। आखिर जिस तरीका से के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं और खास करके देखिए अब जिला अधिकारी के खिलाफ फरमान जारी किया था और जिला अधिकारी ने भी एक बार फिर से फरमान जारी करके ठंड में जो है छुट्टी की डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि के पाठक और जिला अधिकारी के बीच आगे क्या कुछ होता है, आखिर क्या होगा, क्योंकि दो अधिकारी के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। एक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तो वही बात करें पटना के जिला अधिकारी जो है चंद्रशेखर एक दूसरे के ऊपर जो है लेटर पर लेटर लिख रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी लेटर लिख के कह दिया कि देखिए ये मेरे क्षेत्राधिकार का है और इस क्षेत्राधिकार में आकर के आप काम ना करें। तो वहीं डीएम ने कहा है कि देखिए जिला के अधिकारी हम हैं, पूरे डीएम का मालिक होते हैं और आप कौन होते हैं इस तरीका से बात करने वाले, अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन मंत्री श्रवण कुमार का तो जवाब जो है अजीबोगरीब निकल करके सामने आता है और वो कहते हैं कि देखिए ये जो है हमें मालूम नहीं है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।